डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है उसको बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक वंशानुक्रम से संबंधित और दूसरे पर्यावरण से संबंधित। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, ऐसी जो विशेषताएं जो हमें अपने पूर्वजों से जन्म के समय ही प्राप्त होती हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। जबकि पर्यावरण हमारे जन्म के बाद जो हमें वातावरण मिलता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे विकास को ये दोनों ही चीज़ें अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वह तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि हमारे विकास के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है पोषण यानी कि सही न्यूट्रिशन, सही भोजन। हमारा जो शरीर है वह हमारे खाने से ही बना है, मतलब जो हम खाते हैं वही हम हैं। तो यदि हमें पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलेंगे तो हमारा विकास बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो सकता। दूसरा है बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है। ये बुद्धि हमें हेरिडिटी के द्वारा ही मिलती है। ऐसा माना गया है कि 80% जो इंटेलिजेंस है वो हमें हेरिडिटी से मिलती है और उसका जो अत्यधिक भाग होता है वो हमें अपनी माँ से मिलता है। तो बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका जो मानसिक विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही उनका शारीरिक विकास, भाषा विकास, क्रियात्मक विकास, ये सभी विकास भी अन्य बच्चों की तुलना में अधिक अच्छे होते हैं। लिंग यानी कि हमारा सेक्स क्या है, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो ऐसा माना गया है कि विकास की जो मतलब जो विशेषताएं हैं या जो विभिन्न अवस्थाओं में विकास है उसमें स्त्रियों एवं पुरुषों में कुछ परिवर्तन देखा गया है एवं कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो विशेष तौर पर स्त्रियों में ही पाई जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि पुरुषों में पाई जाती हैं। तो जो हमारा लिंग है वह भी विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं और ये हार्मोन्स इंटरनली हमारे विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं और इन हार्मोन्स का हमारे विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रजाति, जिसे हम रेस कहते हैं। जो इंसान की प्रजाति है उससे संबंधित कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण हैं जो कुछ प्रजातियों में पाए जाते हैं। जैसे कि भारतीय प्रजाति के लोगों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाएंगे, जबकि यूरोपियन या फिर अन्य कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलियन या अन्य जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों की कुछ अन्य स्पेसिफिक विशेषताएँ हो सकती हैं। रोग एवं चोट, यदि हमें या बच्चे को कोई जन्म से कोई रोग है या उसको चोट लग गई है तो ये दोनों चीज़ें हमारे विकास को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। उसके बाद है वातावरण। वातावरण यानी कि जिस परिवेश में बालक रहता है वह उसके सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। वातावरण जो है वह तीन प्रकार का है। घर का वातावरण यानी कि जिसमें परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, ये सभी आते हैं। उसके पश्चात है स्कूल का वातावरण, जिसमें कि बालक के विद्यालय, उसके शिक्षक एवं उसके दोस्त आदि सभी आते हैं और साथ ही हमारे पास पड़ोस का वातावरण। तो वातावरण जो है वह व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके पश्चात है शुद्ध वायु एवं प्रकाश। हमारे विकास के लिए शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु
प्रकाश का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि ये सभी चीज़ें हमें अच्छे से मिलती रहती हैं तो हमारा विकास सही प्रकार से निरंतर होता रहता है। तत्पश्चात सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जो भी एक बालक है उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक स्थिति उसके विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सशक्त हैं और सामाजिक रूप से भी यदि हम अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो हम अच्छे विकास को सुनिश्चित करने में सफल हो पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सभी तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास पढ़ने से हमें इन सभी तत्वों की जानकारी होती है जिससे कि हम बालकों का सही विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।